औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मौजूद सामीनों कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में जूता देखना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूता देखे, इसमें कोई बुराई, कोई कमी कोताही, कोई खूबसूरती, बदसूरतगी, उमदगी देखे, ये सब कुछ अपनी बीवी के अंदर देखेगा, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में जूता देखने की ताबीर अपने बेटे से भी दी जाती है। ख्वाब में जूते में कोताही, कमी पेशी, खूबसूरती, बदसूरती कुछ भी देखे, वो अपने बेटे में देखेगा, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह जूते की ताबीर सवारी से भी दी जाती है, यानी कि जो भी कुछ ख्वाब में सवारी में देखेगा, चाहे वो जानवरों की सवारी हो या कोई गाड़ी मोटरसाइकिल हो, कोई किसी किस्म की सवारी हो, उसके पास ख्वाब में देखता है, उसमें कोई कमी कोताही, कोई बदसूरती देखेगा तो वो अपनी सवारी में देखेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूता देखे, इसकी ताबीर दोस्त से भी दी जाती है। जो कमी कोताही, बदसूरती, खुशी, खूबसूरती, उमदगी देखेगा, वही सब कुछ अपने दोस्त में भी देखेगा, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में जूता देखना, इसकी ताबीर सफ़र से भी दी जाती है। ये शख्स सफ़र पर जाएगा। अगर कोई मर्द औरत ख्वाब में जूता ख़रीदते देखे, जूता ख़रीदा है, इसकी ताबीर अगर मर्द देखे तो किसी शरीफ इज़्ज़तदार औरत से शादी करेगा। अगर यही ख्वाब औरत देखती है तो वो भी किसी इज़्ज़तदार शरीफ नेक आदमी से शादी करेगी, इसकी अलामत है, ये भी इसकी अलामत है। और अगर कोई खैर शादीशुदा देखे तो ये अच्छा रिश्ता आने, कोई मुनासिब रिश्ता मिलने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने जूता ख़रीदा और ख़रीद कर पहन कर चल पड़ा ख्वाब में, ऐसा शख्स खुशकी का सफ़र करेगा, यानी कोई पानी का सफ़र नहीं करेगा, कोई बहरी जहाज़ का सफ़र नहीं करेगा, खुशी का सफ़र करेगा, पैदल सफ़र करेगा। इसी तरह ख्वाब में रंगीन जूता देखना, पहनना, वो भी अपनी बीवी की रंगत को जाहिर करता है, यानी कि सब्ज़ रंग का जूता देखे तो इसकी बीवी दीनदार नेक सीरत औरत है, और अगर पीले रंग का जूता देखे तो उसकी बीवी कोई बीमार औरत है, बीमार रहने वाली औरत है, इस चीज़ की अलामत है, या अनकरीब बीमार हो सकती है। अगर सुरख रंग का जूता देखे, इसकी बीवी ऐशो इशरत पसंद है, जेब व ज़ीनत अख्तियार करने वाली है, फैशन करने वाली है। अगर कोई काले रंग का जूता देखे ख्वाब में, अमीर औरत से ताबीर दी जाती है कि मालदार औरत से शादी करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने जूते का तस्मा टूटा हुआ देखता है, डोरी टूटी हुई देखता है, अगर ख्वाब देखने वाला मुसाफर है, सफ़र पर जाएगा, इसका सफ़र वहाँ पर रुक जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा। अगर किसी ने चांदी का जूता पहना, ये शख्स किसी हसीनो जमील औरत से शादी करेगा, इस चीज़ की अलामत। उस शख्स ख्वाब में पैबंद लगा, टाकियाँ लगा जूता पहनता है, जिसे जूते को बाज़ार से जाकर ठीक करवाया जाता है, ऐसे पैबंद लगा जूता पहनता है, साहबे ख्वाब किसी मुतलका, किसी बेवा औरत से शादी करेगा जिसके साथ उसके बच्चे भी होंगे, इस शख्स को शादी के साथ बच्चे भी साथ मिलेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ऐसा जूता पहने जिसकी एड़ी टूटी हुई है, घिस चुकी है चल चल कर, या उखड़ चुकी है, ख्वाब देखने वाला की बीवी अब कभी कभी हामला नहीं होगी, उसकी बीवी कभी भी हामला नहीं होगी, जितने बच्चे पैदा कर चुकी है उतने बच्चे ही उसके पास रहेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि एक जूते का पाँव उसने पाँव में पहना हुआ है और पहन कर चल रहा है, दो नहीं पहने, एक पाँव में जूता पहना हुआ है,
ऐसा शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देगा, या इस शख्स के साथ जो कोई काम करता है, कोई पार्टनर, कोई नौकर, कोई बिजनेसमैन, कोई मिलकर काम कर रहे हैं, वो सब अलहदा हो जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका जूता पानी में गिर गया है और गुम हो गया है, ख्वाब देखने वाले की बीवी अनकरीब फोत हो जाएगी, मर जाएगी। और अगर जूता पानी में गिरा हुआ निकाल लिया है, इसकी बीवी बीमारी में पड़ेगी, ऐसी बीमार होगी, हलाकत के करीब हो जाएगी, मगर फिर सेहत याब हो जाएगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके दोनों जूते चोरी हो गए हैं, उस शख्स की सवारी गुम हो जाएगी, कोई उठा कर ले जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने जूते घिसे हुए देखता है, चल चल कर घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं, बोसीदा हो चुके हैं, इस शख्स की बीवी की हालत में तब्दीली आएगी, यानी अच्छी है तो बुरी हो जाएगी, बुरी है तो अच्छी हो जाएगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूते देखता है, तस्मे वाले जूते देखता है, इसके घर बेटी पैदा होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में नए जूते पहने हुए देखता है, सैंडल नुमा जूते पहने हुए देखता है, ये शख्स किसी कुंवारी खूबसूरत लड़की से शादी करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में शीशे का जूता पहने हुए देखता है, ये शख्स किसी कमज़ोर लागर औरत से शादी करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपना जूता पहनने के बजाय किसी और का जूता पहना हुआ देखता है, ये शख्स ऐसी औरत से शादी करेगा जो इस पर हुक्मरानी करेगी और ये शख्स उसका ग़ुलाम बनकर रहे। अगर कोई शख्स लकड़ी का बना हुआ जूता पहनता है देखता है, इस शख्स की बीवी खयानतकार मुनाफिक किस्म की होगी, या जब भी उसकी शादी होगी, अगर वो कुंवारा है, मुनाफिक होगी उसकी बीवी। अगर कोई शख्स ख्वाब में मुख्तलिफ रंगों के जूते देखता है, एक जूता है जिसमें हरा रंग है, हर रंग है, लाल, पीला, गुलाबी, सब रंग देखता है ख्वाब में, हर किसी रंग का जूता है, ख्वाब देखने वाले की बीवी एक मिजाज की नहीं होगी, कभी उसका मिजाज कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वो इस बात से परेशान होगा कि मेरी बीवी का मिजाज बदलता रहता है, उसको उसके मिजाज की समझ नहीं आएगी। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में तस्मे टूट गए हैं उसके जूते के, ऐसा शख्स ज़्यादा देर तक सफ़र में रहेगा। अगर जूते में सुराख देखे, ऐसा शख्स सफ़र नहीं करेगा, सफ़र में कोई रुकावट आएगी और ये रंजो तकलीफ़ उठाएगा, रंजो गम उठाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स का जूता ख़राब हो गया है, टूट गया है, वो मोची के पास जूता बनवाने के लिए जाता है ख्वाब में, ऐसा शख्स अपनी औरत से बदकारी करवाएगा, जना करवाएगा, उसको गलत कामों के लिए उकसाएगा, इस चीज़ की अलामत है। उसको अपने दोस्तों के साथ गलत काम के लिए उकसाएगा, उसका मुंह काला करवाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अल्लाह माफ़ फरमाए। मौजूद सामीनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो से ज़्यादा सदका जारिया समझ कर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकअल्लाह।